हेलो एवरीवन, दिस इज अंजू मेहंदी रत्ता, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल कटारपुर, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार. वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस ज्ञान दीप ऑफ टीडी उत्तराखंड. बच्चों, मैं एक बार फिर से आपका गणित के एनसीईआरटी क्लास 6 के प्रश्नावली 5, इस पर हम फोकस करेंगे. यहाँ आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ. बच्चों, आपने इससे पहले प्रश्नावली कर चुके हैं, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो भी रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता जा रहा है. तो बच्चों, इस प्रश्नावली को कंटिन्यू करने से पहले, जैसे कि हम क्लासरूम में भी और अपने प्रीवियस सेशंस में भी, हम एक आनंदम का छोटा सा एक एक्टिविटी करते हैं, तो चलो मेरे साथ अपने चेहरे पे स्माइल और आंखें बंद और आपकी कमर सीधी होनी चाहिए. जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, सहज रूप से बैठ जाइए और आंखें बंद. अपने आसपास आने वाली आवाजों पर ध्यान दीजिए. फोकस ऑन साउंड ओनली. घड़ी की आवाज हो सकती है, हल्की आवाज पर ध्यान दीजिए, तेज आवाज पर ध्यान दीजिए, किसी के चलने की आवाज हो सकती है. फोकस ऑन साउंड ओनली. आवाजों पर ध्यान दीजिए. अब धीरे धीरे आंखें खोलिए, रिलैक्स. अच्छा लगा ना बच्चों? यस, हमें भी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है. ये एक्टिविटी करके हम भी रिलैक्स हो जाते हैं और आप भी रिलैक्स हो जाते हैं. इससे बच्चों आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मेमोरी शार्प होगी, एंजाइटी दूर होगी और मेन इम्पॉर्टेंट बात, आपका पढ़ने में मन लगेगा. तो बच्चों, जब भी आप घर में सुबह या शाम किसी भी वक्त आप अपने भाई बहनों के साथ या अपने नेबर्स के साथ पढ़ने बैठें, अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ने बैठें, तो ये एक एक्सरसाइज कर लें, जिससे क्या होगा बच्चों, आपका पढ़ने में मन लगेगा, आप कंसंट्रेट कर पाएंगे. तो आपने देखा भी होगा, आप करते हैं तो कैसा लगता है बच्चों, आपका मन करता है कि अब हम इधर उधर अपनी सराउंडिंग से, सब जगह से हट गए हैं और अब हम कहाँ कंसंट्रेट करेंगे, अपने अपनी प्रश्नावली पर, अपने सब्जेक्ट पर. तो बच्चों, आप सब अब टीवी के सामने बैठ गए होंगे और आपने अपनी नोटबुक अपने सामने रख ली होगी. तो बच्चों, इस प्रश्नावली से पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़े थे कोण. और कोण में बच्चों कौन कौन से हमारे, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण और प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण, शून्य कोण, ये सब हमने पढ़ लिए. अब बच्चों, आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे. नई चीज तो नहीं कह सकते क्योंकि हमने रेखाएं पढ़ ली थी. आज हम पढ़ेंगे लंब रेखा, यानी परपेंडिकुलर लाइंस. बच्चों, पहले तो सबसे पहले आप ये बताओ कि लाइंस क्या बताई थी मैंने आपको, क्या होती है लाइन? लाइन क्या होती है बच्चों, जो अनंत बिंदु तक चलती है. और क्या होता है बच्चों, उसका असंख्य बिंदुओं से बनी हुई एक ऐसी लकीर जो दोनों तरफ बढ़ाई जा सके. जैसे बच्चों, मैं एक एग्जांपल ये पेन का देती हूँ, इसमें क्या है, असंख्य बिंदु हैं. अब मैं इसको इधर राइट हैंड साइड को भी बढ़ा सकते हैं और लेफ्ट को भी बढ़ा सकते हैं. अब आप कहेंगे, अगर मैम, अगर हम रेखा को बढ़ा सकते हैं तो ये पेन या हम कोई छोटी सी उसका टुकड़ा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? क्या बताया था बच्चों आपको, उसको हम रेखा खंड कहते हैं. तो आपने ये तो क्लियर कर लिया कि रेखा क्या है, अनंत बिंदुओं से बनी हुई है और
दोनों साइड बढ़ाई जा सकती है, कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। और रेखाखंड क्या होगा बच्चों, इसके कितने भी टुकड़े कर लें, वो जो भी टुकड़ा होगा वो हमारा रेखाखंड कहलाएगा। अब रेखा में भी बच्चों दो बातें आती है, एक तो इस पर क्या होगा यदि रेखा एक बिंदु पर काटती है, और दूसरा एक और ऑप्शन होगा कि नहीं काटती, यानी यदि रेखा किसी बिंदु पर काटेगी और नहीं काटेगी। अब बच्चों हमने बात करी है कि ये रेखा किसी पर काटेगी, अब आपने इससे पहले रेखाएं, हमने थोड़ा सा आपको हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है बच्चों, एक तो समांतर रेखाएं, याद आया आपको समांतर रेखाएं, आपको पहले पढ़ा चुके हम समांतर रेखाएं क्या होती हैं बच्चों, जैसे ये दो हैं, ये क्या होंगी, ये समांतर मींस पैरेलल लाइंस है, ये चलती रहेंगी और अनंत तक कहीं नहीं मिलेंगी, इनकी डिस्टेंस बीच की इक्वल है। अब इसके बाद आती है हमारी, हमने दूसरी एक पढ़ी थी प्रतिच्छेद रेखाएं, जो क्या होता है बच्चों, उनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है और वो आपस में ऐसे काटती हैं। तो जब भी आपको प्रतिच्छेद रेखाओं की बात करेंगे तो बच्चों आप क्या करेंगे, एक ऐसा, ये जो हमारी शेप है ये हमारी प्रतिच्छेद रेखाओं की है। और आज जो हम लंब रेखाओं की बात कर रहे हैं वो बच्चों हमारी होगी ऐसे। जब भी ये शेप आएगी तो आप ये सोचिएगा ये हमारी क्या है, लंब रेखा। तो लंब रेखा क्या है बच्चों, जो दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं तो उन्हें लंब रेखा कहते हैं। ये देखो बच्चों, ये मैंने ये आपको अपने अभी हैंड से बताया था, अब मैं आपको पेन से ये दिखा रही हूँ। ये देखिए, जब भी आपके पास ऐसा कहीं फिगर आपको नजर आए तो ये समझिएगा कि ये क्या है, लंब रेखाएं। क्या है इसकी डेफिनेशन, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं तो उन्हें हम लंब रेखाएं कहते हैं। और बच्चों इसे हम किससे निरूपित करते हैं, उल्टा टी, ऐसे इसका जो हमारा सिंबल है वो ऐसा है। ठीक है बच्चों, तो और इसके उदाहरण क्या है, जैसे ब्लैक बोर्ड के पास आसपास की कोर, कोर को क्या बोलते हैं बच्चों, किनारे भी बोलते हैं। इसमें एक वर्ड अभी आपके पास, हम जब प्रश्नावली कराएंगे 5.5 तो उसमें एक आसन्न वर्ड आएगा, एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है, जैसे ये है बच्चों, ये कोने हैं, इस कोनों से ये जो रेखाएं जा रही हैं ये हमारी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है और क्या है, लंब रेखाएं। तो आसन्न वर्ड का जो मैं आपको बता रही थी वो क्या है, दो भुजाएं जिसका अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट, एंड क्या है बच्चों, जैसे ये एक रेखा है और एक ही रेखा है, इन दोनों का एंड पॉइंट क्या है, ये है, तो ये क्या हो, कॉमन हो। कॉमन का मीन्स होता है उभयनिष्ठ, जिसे हम हिंदी में उभयनिष्ठ बोलते हैं, यानी कॉमन, यानी दोनों का एक ही एंड पॉइंट होगा, ये हमारी एडजेसेंट भुजाएं होती हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन और भी क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक बिंदु से होकर वेफल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ऐसी रेखाओं को हम लंब रेखाएं कहते हैं। या एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, किसी सरल रेखा पर जिस गिरने वाली वह रेखा जो दोनों ओर समकोण बनाती है। अब देखिए बच्चों, ये मैंने आपको ये बताया, मैंने ये आपको स्ट्रक्चर बताया है लंब रेखा का, आज आप जरा इस लंब रेखा पर ही कंसंट्रेट करेंगे। ये देखिए लंब रेखा है मेरी, मैंने आपको डेफिनेशन बोली है, किसी सरल रेखा पर गिरने वाली वह रेखा जो दोनों ओर समकोण बनाती है। इससे पहले हमने क्या समझा था बच्चों, समकोण, समकोण हमने 90 डिग्री का एंगल, मींस यहाँ भी समकोण बन रहा है, यहाँ भी, तो इसको कहते हैं हम लंब रेखा। और थोड़ी सी इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम, एन एलिमेंट्री ज्योमेट्री द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग्स परपेंडिकुलर इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइंस विच मीट एट राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल, जिसे हम समकोण कहते हैं। द प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू अदर रिलेटेड ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स। ए लाइन इज सेड टू बी परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट
एट अ राइट एंगल, बच्चों जो इंटरसेक्ट करती है एक राइट एंगल यानी एक समकोण पे, परपेंडिकुलर लाइंस आर दैट इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल 90 डिग्री. परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट एट अ 90 डिग्री एंगल, द टू लाइंस कैन मीट एट अ कॉर्नर एंड स्टॉप और कंटिन्यू थ्रू ईच अदर. देखो बच्चों, टू लाइंस कैन बी मीट, यहाँ पर मिल भी रही हैं एट अ कॉर्नर एंड स्टॉप और कंटिन्यू थ्रू ईच अदर, दोनों से कंटिन्यू कर रही हैं. एज टू लाइंस दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री. स्क्वायर एंड राइट एंगल्स ऑलवेज हैव फोर राइट एंगल्स. बच्चों स्क्वायर हो या राइट एंगल्स हो, इसमें क्या होता है, चार हमारे ये देखो समकोण हैं. तो बच्चों ये तो हमने समझ लिया लंब रेखा. अब हम इसकी प्रश्नावली 5.5, इससे पहले हमने 5.4 तक हमने कर लिया है, जिसमें बच्चों क्या बातें थी, कोणों की बात थी, घूर्णन की बात थी, कितना घूर्णन घूम जाते हैं, और आज हम लंब रेखा की बात करेंगे कि लंब रेखा होती क्या है. जैसे मैंने आपको कहा है, इस हमेशा इस फिगर को याद रखिएगा, जब भी आपको लंब रेखा की बात की जाएगी तो आपने ये फिगर हमेशा दिमाग में रखना है, क्योंकि ये क्या है, जो भी रेखा 90 डिग्री पर गिरती है वो हमारी क्या कहलाती है बच्चों, लंब रेखा कहलाती है. तो आओ बच्चों इसको हम व्हाइट बोर्ड की सहायता से पढ़ते हैं. तो बच्चों देखिए प्रश्नावली 5.5, इसमें क्वेश्चन करने से पहले बच्चों सबसे पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, अपना लंब रेखाओं का कंसेप्ट क्लियर करेंगे. इसमें है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती हैं. ये देखिए बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको ये पेंस का उदाहरण दिया था आपको, ये देखिए यदि दो रेखाएं आप प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण समकोण हो, ये है ना डेफिनेशन में, और एक दूसरे पर लंब परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती हैं. ये देखिए एक समकोण हो, ये 90 डिग्री बना, वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती हैं. यदि एक रेखा ए बी रेखा सी डी पर लंब है, माना बच्चों हम हमारे पास क्या है, एक ए बी रेखा है, इस पे क्या लंब है, सी डी, तो इसे ए बी लंब सी डी कहेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था कि ये उल्टा टी, ये इससे हम डिनोट करते हैं लंब को. ये देखो जब भी ये आपके पास चिन्ह आए तो आप समझ जाइएगा कि इन दोनों के बीच में ये जो चिन्ह है ये लंब को शो कर रहा है, या सी डी लंब है ए बी पे. अब हमारे पास एक और एग्जाम्पल है बच्चों, ये हमारे पास एक ए बी एक रेखा है. अब क्या है, मान लीजिए एम एन बिंदु है, ये क्या है एम एन एक बिंदु है, एम से होकर जाने वाली रेखाखंड ए बी पर कोई रेखा लंब है, क्या है बच्चों, ये ए बी पर ये हमारा रेखाखंड एक एम एन एक लंब है. अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज आती है बच्चों, ये देखिए दो पॉसिबिलिटीज आती है, क्या रेखा एम एन, ये देखिए रेखा एम एन रेखाखंड ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, क्या करती है या नहीं करती, इसको सोचना है आपने. देखिए बच्चों ये ए बी एक रेखा है और एम एन, ये देखिए जैसे ये आपका ए बी है और ये आपका एम एन, तो क्या ये एम एन इन दोनों को बराबर भागों में बांट रही है या नहीं, ऑब्वियसली यस. दूसरा है, क्या एम एन रेखाखंड ए बी पर लंब है, क्या है बच्चों एम एन, ये एम एन रेखाखंड ए बी पर लंब है, यानी ये हमारी ए और ये बी रेखा है, तो एम एन ये इस पर लंब है या नहीं है, ये हमारा एक कंडीशन ये बन जाती है कि ये है या नहीं है. अब इसका क्या आंसर होगा बच्चों, एम एन रेखाखंड, ये देखिए एम एन
ये M और ये N, रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करती है, ए बी को समद्विभाजित करती है और उस पर लंब भी है। समद्विभाजित क्या हुआ बच्चों, ये वर्ड एक नया आया, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, और विभाजित मीन्स आप जानते हैं उनको अलग करना, यानी बराबर दो भागों में बांटती है, बांटती है। अब है और दूसरा है उस पर लंब भी है, एम एन क्या है बच्चों, इस पर लंब भी है। एम एन रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। ये एम एन रेखाखंड क्या है बच्चों, ए बी का लंब, ए बी का लंब समद्विभाजक, जिसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। तो बच्चों ये अब आपको क्लियर हो गया है कि लंब क्या है, लंब रेखाएं क्या है। लंब क्या है बच्चों, ये एम एन, इसको हम बोलेंगे इसका लंब, यहां से लेकर और ये यहां तक, और ये हमारा रेखाखंड था, ये हमारी रेखा है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं हम, लंब रेखाएं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, मैंने क्या बताया आपको बच्चों, कैसी शेप आपको मिलेगी इसको, ऐसी, ये देखिए, ये आपकी, जब भी आपको ऐसी शेप मिले ये आपकी लंब रेखाएं हैं। और प्रतिच्छेद रेखाएं बच्चों कैसे बताई थी, ये देखिए ये है, और इसको अगर आप हाथ से आप इसको याद रखना चाहेंगे तो आप इस तरीके से, जब भी आपको ये आपको फिगर मिलेगा तो ये आपकी प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। और तीसरी कौन सी बताई थी बच्चों मैंने, पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाएं, जैसे बच्चों ये हैं, ये दोनों आपस में कभी भी अनंत तक नहीं मिलेंगी, ये देखिए ऐसे जाती जाएंगी तो कभी नहीं मिलेंगी। और अगर हम हाथ से करेंगे तो देखिए ये बच्चों, ये अब इसको हम ज्योमेट्री बॉक्स से समझते हैं, ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ये ज्योमेट्री बॉक्स की एक लाइन ये है और एक ये नीचे वाली है। तो बच्चों इन दोनों लाइनों को आप कौन सी रेखा बोलेंगे, अभी बताया आपको मैंने, कौन सी, समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस, जो अनंत तक नहीं मिलती हैं। ठीक है बच्चों, अब दूसरी हमने क्या बात करी, अभी जो लंब रेखाएं इस ज्योमेट्री बॉक्स में बच्चों बताइए कौन सी होगी। मैंने अभी आपको क्या बताया, इसकी परिभाषा है कि और उनके बीच का एक कोण समकोण हो, जो दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, इनका कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु, ये एंड पॉइंट दोनों का कॉमन है और इनके बीच में समकोण बन रहा है। तो बच्चों अगर हम, हमारा ये प्रश्नावली 5.5 का हमारा क्वेश्चन भी है ये, कि दोनों अगर इनके बीच में है ज्योमेट्री बॉक्स में तो बताओ इनके बीच में कौन सी रेखा है, तो आप इजीली बता देंगे कि ये हमारी लंब रेखा है। तो बच्चों ये अब आपको क्लियर हो गया, इसको और यहाँ बताऊं मैं आपको, यदि एक रेखा ए बी और रेखा सी डी पर लंब है तो इसे ए बी लंब सी डी कहेंगे या सी डी लंब ए बी, ये तो हो गया। और इसको एक बार फिर से बताती हूँ, मान लीजिए एम एन बिंदु एम से होकर जाने वाली रेखाखंड ए बी पर कोई रेखा लंब है, क्या है बच्चों, ये है एम एन बिंदु एम से होकर जाने वाली रेखाखंड ए बी पर कोई रेखा लंब है, क्या रेखा एम एन, रेखा एम एन का है बच्चों ये, सॉरी रेखाखंड है ये एम एन रेखाखंड ए बी को, ये ए बी रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है या नहीं, ये हमसे पूछा गया है। दूसरा है, क्या एम एन रेखाखंड ए बी पर लंब है, क्या ये ए बी पर ये रेखाखंड एम एन लंब है या नहीं। तो अब बच्चों आपने इसको, इन दोनों को एक सोच समझ के आपने इसका आपने जवाब बनाया कि एम एन रेखाखंड, ये एम एन रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित, समद्विभाजित मीन्स बराबर दो भागों में बांटता है और उस पर लंब भी है। एम एन रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक यानी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर भी है। तो बच्चों अब हम, जब हम ये समझ गए हैं तो अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे,
इसको रब कर देती हूँ बच्चों, आपको समझ आ गया है लंब रेखाएं क्या होती हैं। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए बच्चों, प्रश्नावली 5.5 का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है। निम्न लिखित में से कौन, बच्चों अब आप आसानी से बता देंगे कि जिसमें भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा वो हमारी लंब रेखाओं के उदाहरण होंगे, रेखाओं के उदाहरण है। बच्चों इसमें ए है, मेज के ऊपरी तीरों की आसन्न भुजाएं। बच्चों मैंने अभी आपको आसन्न शब्द समझाया था, कुछ याद आ रहा है क्या बताया, आसन्न भुजाएं। दूसरा है बी, रेल पथ की पटरियां। बच्चों ये क्या होंगी, क्या ये लंब रेखा होंगी। तीसरा है अक्षर एल, अक्षर एल बनाने वाले रेखाखंड, बनाने वाले रेखा खंड, इसको भी रब कर देते हैं बच्चों, अब तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और डी है बच्चों इसका, अक्षर वी बनाने वाले रेखा खंड, अक्षर वी बनाने वाले रेखा खंड। अब बताओ बच्चों मुझे, आप ये आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे तरीके से, अब मुझे बताइए कि क्या लंब रेखाएं इसमें कौन कौन से इसके उदाहरण हैं। सबसे पहला लेते हैं मेज के ऊपरी सिरों की आसन्न भुजाएं। मेज को हम चाहे बुक चाहे हम ज्योमेट्री बॉक्स से ले सकते हैं। आसन्न भुजाएं क्या बताई मैंने बच्चों आपको, कॉर्नर में जहां एंड पॉइंट पे जो इनकी दोनों रेखाओं का कॉमन एंड पॉइंट होता है वो आसन्न भुजाएं होती हैं। तो बच्चों बताओ मेज की रेखाएं जो ये आसन्न भुजाएं हैं, क्या ये लंब रेखाएं हैं या नहीं। बिल्कुल सही, क्योंकि इन दोनों में क्या बन रहा है बच्चों, समकोण बन रहा है, इसीलिए ये तो है ही है। अब रेल पथ की पटरियां, क्या बताया बच्चों मैंने आपको, रेल पथ की पटरियां जैसे ये है, ये दोनों चल रही हैं, तो बच्चों ये क्या होंगी, पैरेलल लाइंस, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा है अक्षर एल बनाने वाली, एल ये हो सकता है, बिल्कुल सही ये हो सकता है। वी अक्षर पे बच्चों यहां 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, इसीलिए ये नहीं होगा। इसका आंसर हमारी सिर्फ यही दो होंगे, मेज के ऊपर की सिरे की आसन्न भुजाएं और अक्षर एल बनाने वाले रेखाखंड, ये हमारे लंब होंगे। तो बच्चों इसको आगे पढ़िएगा और कीप रिवाइजिंग। थैंक यू बच्चों।